दोस्तों, अपना हेल्थ आईडी जनरेट करने के लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। आप इसको मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर अगर आपको वेबसाइट दिखने में दिक्कत हो रही तो आप मेनू में जाके डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ndhm.gov.in। बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा दोस्तों कि देखिए, ये वेबसाइट को ओपन कर लेना आपको। इस वेबसाइट को, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट है। इसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आते हुए देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हेल्थ आईडी लिखा है यहाँ पे जाना है दोस्तों। क्लिक क्रिएट हेल्थ आईडी पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट हेल्थ आईडी पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। एक वीडियो प्ले होता है, आपको उसको क्लोज कर देना। क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों ये सामने दिखा रहा है कि अभी ये केवल जो 7 UTs है उसमें शुरू हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपके स्टेट्स में भी शुरू होने वाला है। ये पैन इंडिया शुरू होने वाला है। ये बहुत ही बड़ी स्कीम होने वाली है दोस्तों, पूरे हेल्थ सेक्टर को ये बदल के रख देगी। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। राइट नाउ मैं हूँ अभी चंडीगढ़ में, तो मैं यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, मैं अपनी आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, जनरेट बाय आधार और जनरेट बाय मोबाइल नंबर। तो अगर आप अपने आधार से करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो आधार में आपने फ़ोटो अपलोड करी हुई है या आपके सारे डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, वो एज इट इज इसमें सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल आधार से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाया मोबाइल, जनरेट बाय मोबाइल आपके सामने ऑप्शन आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल दिया, उसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट, उस पर टिक करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर आपको एक तुरंत OTP मिलने वाला है। उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। देखिए मैंने OTP डाल दिया। OTP डालते ही आपके सामने ऐसा फॉर्म खुलने वाला दोस्तों। इस फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना दोस्तों। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मांगा जा रहा है आपका नेम। नेम के अंदर आपको अपना नाम डाल देना है दोस्तों। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है हेल्थ आईडी, जहाँ पे स्टार बना हुआ है हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी के अंदर दोस्तों आपको वर्ड्स डालने हैं। यहाँ पे वर्ड्स या आप नंबर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ डालिए जो आप इजीली याद रख सकें। जैसे मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी चीज़ जो आपको इजीली याद रहे वही चीज़ डालनी है यहाँ पे। ये डालते ही देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरी हेल्थ आईडी आधार से बनी हुई है, मैं इसके आगे नंबर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, साइड में क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे रेड नहीं आ रहा है इसका मतलब ये आईडी अवेलेबल है, अभी ये आप ले सकते हैं। तो जैसे ये दोस्तों ये पूरा बन जाएगा तो यही आपकी हेल्थ आईडी होने वाली है। जैसे जो मैंने यहाँ पे डिटेल डाली है उसके आगे @ndhm लग जाता है, जैसे UPI एड्रेस होता है, कुछ इसी तरह से हेल्थ आईडी होगी। बस इतनी डिजिट आपको याद रखनी है, उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आपको फिलअप करना है दोस्तों पासवर्ड। पासवर्ड में दोस्तों आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और एक स्पेशल करेक्टर, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर आप केवल कैपिटल लेटर्स डालेंगे तो भी नहीं होगा, केवल स्मॉल लेटर्स डालेंगे तो भी नहीं होगा, इसमें चार चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, दोनों कॉलम में सेम पासवर्ड डालना आपको। आपको डालना अपनी डेट ऑफ बर्थ, चूज करना स्टेट, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ चूज कर ले रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो डाल देना। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना दोस्तों प्रॉपर। मैं यहीं यहाँ पे रैंडम डाल के दिखा रहा हूँ आपको, मैं इस आईडी को बाद में डिलीट कर दूँगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद हेल्थ आईडी, ये यहाँ पे दिखा रहा दोस्तों हेल्थ आईडी नंबर और ये @ndhm, ये हेल्थ आईडी होगी और ये हेल्थ आईडी नंबर होगा, 14 डिजिट का नंबर है और ये UPI का जैसा एड्रेस है दोस्तों। बस यही आपकी हेल्थ आईडी होगी, यही आपको याद रखना होगा। कंटिन्यू विथ दिस हेल्थ आई डी दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि आपकी ये हेल्थ आई डी और ये नंबर होगा। अगर आपको इसमें लग रहा है कि ये अच्छी नहीं है तो आप जाके ऊपर जाके इसको फिर से एडिट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हेल्थ आई डी को। तो मैं इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों कंटिन्यू करते ही यहाँ पे ही आ गए। देखिए दोस्तों, ये मेरी हेल्थ आई डी क्रिएट हो चुकी है। कुछ इस तरह से आप अपनी भी हेल्थ आई डी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल, इसमें आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे आपकी इस हेल्थ आईडी पे फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे KYC वेरीफिकेशन आपको अगर ज़रूरत पड़ता है आधार से वेरीफाई करवाने की, तो यहाँ पे आधार डाल के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको आधार से OTP आएगा। व्यू हेल्थ कार्ड में मैं जैसे जाऊँगा तो मेरी हेल्थ आईडी आ जाएगी। अगर आपको अपनी हेल्थ आईडी डाउनलोड करनी है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हेल्थ आईडी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए मेरी हेल्थ आईडी डाउनलोड हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी भी हेल्थ आईडी बना सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू, जय हिंद।